जो लोग पवन सिंह को भगौड़ा कह रहे हैं उनके लिए ये न्यूज़ है, इसलिए क्योंकि भाई ज़रूर देखिए कि पवन सिंह इन दिनों है कहाँ। पवन सिंह इन दिनों अपने मलाड वाले घर पर ही हैं, यानी कि मुंबई में जो उनका घर मलाड में है वहीं है वो। आपको बता दें कि पवन सिंह कहीं भागे नहीं हैं, वो देवघर गए थे, वहाँ उन्होंने स्टेज शो किया, बिहार गए और बिहार से वो रिटर्न आ गए हैं, क्योंकि मुंबई में उनका 2 दिन की शूटिंग शेड्यूल था जो कि अब पोस्टपोन करके अगले महीने शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें इसके पीछे भी अक्षरा सिंह है, क्योंकि अक्षरा सिंह के विवाद के चलते पवन सिंह इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे जिस वजह से उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग आगे शिफ्ट कर दी है। हाँ, जो लोग उन्हें भगौड़ा सोशल मीडिया पे कह रहे हैं उनके लिए ये बात है कि पवन सिंह भले ही सामने नहीं आ रहे, इन भोजपुरी का इतना बड़ा सुपरस्टार क्यों किसी से भागेगा। जब उसकी पत्नी ने आत्महत्या की तब तो वो भागा नहीं, जब उस पर सरे आम तोहमतें लगी तब तो वो भागा नहीं, यहाँ तो अक्षरा सिंह सिर्फ एलिगेंस लगा रही है तब वो क्यों भागेगा। हाँ, भले ही पवन सिंह मीडिया के सामने नहीं आ रहे, किसी से कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है आप बताइए। कि क्या पवन सिंह ने कभी कहीं इंटरव्यू अपनी पत्नी के मरने के बाद दिया था मीडिया में, जो अब अक्षरा सिंह के लिए देंगे वो। इसलिए कभी भी किसी भी भोजपुरी स्टार को भगौड़ा कहना गलत है। हाँ, हो सकता है वो नहीं आना चाहते हैं, उनकी मर्जी, लेकिन कानून ने अभी तक उन्हें गुनहगार नहीं साबित किया है, जिस वजह से उन्हें गुनहगार नहीं कहा जा सकता। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।